पब्लिक आपको पसंद करती है, पब्लिक आपको प्यार देती है, पब्लिक आपको जीरो से हीरो बनाती है, तो पब्लिक का अपमान करते हुए कलाकारों में इतना एटीट्यूड क्यों? नहीं भैया, हथुआ अक्षरा जी जैसे की हैं, ये गलत है और इस पे इनको जवाब देना चाहिए। भोजपुरी की शेरनी कही जाती है अक्षरा सिंह? शेरनी भाई, अपने आप से कोई मैं बोलूं मैं भोजपुरी का ये हूँ तो ऐसा नहीं होता। पब्लिक का है ना, पब्लिक हर चीज समझती है। अगर शेरनी होती तो माइक छोड़ के क्यों भगती? वो नाराज हो जाती है कि मेरे ऊपर रुपया क्यों उछाला? उसमें गलत क्या है भाई? देखिए, आप वहाँ पैसे के लिए आई थी, पैसा 5 लाख रुपया ली है। मित्रों नमस्कार, हमारी मौजूदगी है काली जगदीशपुर में मालती रिकॉर्डिंग स्टूडियो में और मिस्टर विष्णु राज जी हमारे साथ हैं, एक कलाकार हैं। बीते 3 दिन पहले समस्तीपुर में अक्षरा सिंह जी एक स्टेज शो के लिए जाती हैं, तकरीबन 35 मिनट वहां बिताती हैं और 3 घंटे का उनका प्रोग्राम था, लेकिन उन 35 मिनट में क्या ऐसा हो जाता है कि वो स्टेज छोड़ करके जाती हैं? जाती तो जाती ही हैं और साथ में जिस माइक से वो गाना गा रही थी, लोगों का मनोरंजन कर रही थी, उस माइक को पटक करके वो तोड़ देती है। 5 लाख रुपए उस प्रोग्राम का उनका चार्ज था। विष्णु राज जी भी हमारे साथ हैं, आज इनसे खास बातचीत करेंगे। सवाल यहाँ पे ये है कि जो दर्शक हैं, वहां भी हजारों की संख्या में दर्शक रहे होंगे, आप लोग भी मुझे लगता है कि हजारों लाखों की संख्या में देख रहे हैं, इनको भी करोड़ों की संख्या में लोग देखते हैं। एक कलाकार से आज जानकारी लेंगे कि इस तरीके का जो मामला देखने को मिला है बिहार से, इस पे आपकी राय क्या होगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं सभी दर्शक को पैर छू के प्रणाम करता हूँ। दूसरी बात यह है कि जो ये मामला आया है, मैं भी देखा हूँ, कई मीडिया के लोग किए हैं, और सरस्वती का अपमान नहीं, सम्मान करना चाहिए। कलाकार कितना हो, बड़ा हो, लेकिन माँ के लिए तो बच्चा ही होता है। और कहीं ना कहीं ये माइक फेंकना एक मतलब सिंगर के लिए और सभी कलाकार के लिए एक बहुत ही अपमानजनक बात है कि जिसके लिए एक सिंगर, एक कलाकार अपनी आवाज को जिस माइक के माध्यम से दुनिया में बिखेरता है, अगर उसको पटक के कोई फेंके तो देखिए बहुत बड़ा गुनाह है। और किस तरह, क्योंकि हम लोग भी वीडियो बनाते हैं तो कैमरे के लेंस को ध्यान से नहीं देखते हैं, क्योंकि उसमें जिस कैमरे से हम लोग शूट करते हैं वीडियो, उसकी पूजा की जाती है और इस माइक की भी पूजा की जाती है। तो ये गलत है और मैं यही कहना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों के साथ माँ हमेशा ही सदैव यही कृपा बनाए कि ऐसे लोग को क्या कहें, बस यही कि जो गलत किए हैं उसके बाद भी भाई। अच्छा, आप एक कलाकार हैं, जमीन से आप उठे हैं, आपने अपने स्टोरी पे भी बताया है और तमाम खबरों में ये चला है कि विष्णु राज जी पहले ठेला चलाते थे। ठेला चलाने के पहले आपको बता दें कि ये एक मूर्तिकार थे, बताइए क्या? हाँ, मैं मूर्तियां भी बनाता था और जो भी रियल है दोस्तों, जो भी काम मैं दिल से माना हूँ कि इसको करना है, सफल भी हुआ, ऐसा बात नहीं है। फर्श से लेकर के आज अर्श का आप सफर तय किए, तो इसमें मुख्य भूमिका किसकी हो सकती है? मतलब कि जमीन से उठ करके आप अगर आसमान को छूने की चाह रखते हैं और उस चाह में सबसे मुख्य भूमिका किसे? शुरुआती सबसे पहले मैं मुख्य भूमिका अपना ही मानता हूँ, क्योंकि मैंने सोचा कि कुछ अलग किया जाए सबसे पहले शुरुआती दौर का। फिर जब शादी हुआ तो उसमें मुख्य भूमिका जो है मेरी वाइफ का आया, क्योंकि जब हम दोनों लोग मिलके किए तो जो धीरे धीरे चल रहा था अचानक ब्लास्ट हो गया। अच्छा, ब्लास्ट हुआ तो किसके बीच में ब्लास्ट हो गया? पब्लिक के बीच में। तो यहाँ मुख्य भूमिका पब्लिक की दी जाएगी कि नहीं दी जाएगी? पब्लिक, देखिए पब्लिक ही तो सबकी है, लेकिन सबसे पहले मुख्य भूमिका होती है। अब यहाँ सवाल ये खड़ा होता है कि अगर पब्लिक आपको पसंद करती है, पब्लिक आपको प्यार देती है, पब्लिक आपको जीरो से हीरो बनाती है, तो पब्लिक का अपमान करते हुए कलाकारों में इतना एटीट्यूड क्यों? नहीं भैया, हमारे यहाँ देखिए जो लोग भी आते हैं, मेरा मानना होता है कि कम से कम खुश होके जाएं, क्योंकि देखिए काम ना हो चलेगा, काम ना हो पाए उनका किसी कारण, लेकिन खुश होके जाए। ये नहीं है कि विष्णु राज के यहाँ गए और ऐसा हो गया। और पब्लिक ही सबको बनाती है, जो आज पब्लिक के बीच में पब्लिक को छूतिया समझते हैं, तो ये कहना चाहता हूँ कि जिस दिन पब्लिक लात मार देगी तो अवकाश सामने आ जाएगा। यहाँ एक क्लू और निकल के आ रहा है अक्षरा सिंह का जो मामला है कि पवन सिंह के गाने पे नाराज नहीं होती है, वो 2000 रुपए का गड्डी पकड़ाता है, 20-20 का नोट था, वो हाथ में नहीं पकड़ती है तो वो पैसा ऐसे स्टेज की तरफ उछाल देता है। वो नाराज हो जाती है कि मेरे ऊपर रुपया क्यों उछाला? उसमें गलत क्या है भाई? देखिए,
आप वहाँ पैसे के लिए आए थी, पैसा 5 लाख रुपया ली है, तो जो करेंसी उनको मिला था उसमें गांधी जी नहीं थे, उसमें गांधी जी नहीं थे इसका मतलब। और दूसरी बात है, पैसा देखिए, पैसा पैसा होता है, सबका एक भावना होता है कि हम चलिए अक्षरा सिंह को देंगे, नहीं लेंगे फेंक दिए, क्यों नहीं। देखिए आप उन्हीं लोगों के बुलाने के वजह से आए हैं, तो आप वहां उनकी नौकर बन के आए, ना कि सेलिब्रिटी, क्योंकि आप पैसा लेके आए हैं, तो आप उनके यहाँ काम करने के लिए एक वर्कर बन के आए कि 5 घंटा आप समय बिताएंगे तब 5 लाख लेके जाएंगे। और भाई मैं मालिक हूँ, मान लीजिए आप मालिक हैं, हमें बुलाए हैं, तो आप देखिए अपमान नहीं कर सकते एक कलाकार का, लेकिन ये है अगर जिस तरह जैसे कि भाई सब लोग होते हैं, माहौल है, हम पैसा दे रहे हैं, चाहे हाथ में पकड़ा रहे उड़ा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं ना कि मतलब आपके साथ तरह कुछ जास्ती कर रहे हैं, तो ये उनका गलत है। दूसरी बात है पवन जी का, जो अगर पवन जी के गाने पे गई है तो इस इंडस्ट्रीज में पैदा करने वाले पवन जी ही है, क्योंकि सबको पता है कि अक्षरा सिंह के साथ। पवन सिंह की जब बात यहाँ छेड़ती है, तो पवन सिंह का एक स्टेज शो का एक वीडियो वायरल हुआ था कि कोई टमाटर चला के उनको मार दिया था। हाँ। वो तो मंच छोड़ करके नहीं गए, तो भाई शेर कहे भागेगा, हम कर उसका सामना करें। भोजपुरी की शेरनी कही जाती है अक्षरा सिंह, शेरनी भाई अपने आप से कोई मैं बोलूं मैं भोजपुरी का ये हूँ तो ऐसा नहीं होता, पब्लिक का है ना, पब्लिक हर चीज समझती, अगर शेरनी होती तो माइक छोड़ के क्यों भागती। अच्छा आप लोग मंच कलाकारी करते होंगे, मंच पे आप भी खड़ा हुए होंगे, चाहे भीड़ सैकड़ों हो, हजारों हो, लाखों हो, लेकिन मंच पब्लिक के सर आंखों पे लगा होता है, आप कहाँ खड़ा होते हैं जरा बताइए। अब देखिए कहीं ना कहीं पब्लिक के बदौलत ही मंच पे जाते हैं, अगर मंच पे खड़ा होते हैं तो पब्लिक का ही होना, वो पब्लिक के ऊपर हम लोग को गुरूर रहता है कि चलिए हमको इतना लोग देख रहे हैं, उमास बढ़ता है कलाकारी का। अच्छा यहाँ पे अगर किसी से कोई त्रुटि होती है तो वहाँ के व्यवस्थापक से जानकारी देना चाहिए था कि जानकारी देना चाहिए कि हमें प्रॉब्लम हो रहा है, इस चीज को हटाइए, ऐसा नहीं करिए, एक करना चाहिए कि भाई देखिए जो वहाँ का मालिक रहेगा उसी को तो बताया जाएगा, अब अपने मर्जी से हम चले जाएं ये गलत है। हाँ यही है, अगर वही जो 5 लाख ली है अगर किसी मजदूर को दिया जाता तो पहले उसको पूरा काम करा लेने के बाद अगर थोड़ा सा गलती हुआ तो पैसा भी मार जाते हैं लोग। और यहाँ कलाकारों के लिए मतलब क्या कहे कि आए नाची गाई चल गई, पैसा पहले ले गई, अब बताइए जो कि 4 घंटा और 25 मिनट का जो समय है वो कौन देगा, उसका पैसा कितना है, तो उसका अगर सम निकालिए तो कितना उनका कितना वहां काम करके गए। 3 घंटे का प्रोग्राम था, 35 मिनट प्रोग्राम। हाँ, 3 घंटे का, 3 घंटे के प्रोग्राम बताइए 35 मिनट करी तो, और उसका पैसा जो है कम से कम अगर ऐसा हो तो दे दें भाई पब्लिक को। गलत है, देखिए गलत है कलाकार, क्योंकि माइक जो है माइक की गरिमा से ही हर चीज, हमारा यहाँ माइक अगर कोई बदतमीजी करेगा तो खदेड़ देंगे स्टूडियो में, चाहिए 1 लाख रुपया लेके आए, अगर माइक के साथ छेड़छाड़ करेगा तो खदेड़ देंगे, क्योंकि इससे एक सिंगर इस स्टूडियो से इस माइक से ही एक सिंगर और एक कलाकार अपनी कला को दिखाता है, तो कहाँ इसका अपमान करें। तो कहीं ना कहीं ये गलत है, तमाम लोग जो वीडियो देख रहे हैं या फिर जो खबरों को देख रहे हैं कि अक्षरा सिंह ने ऐसा क्यों किया, तमाम लोगों के सवाल भी में थे। विष्णु राज ये भी यूट्यूब पे एक चर्चित चेहरा है, इनके भी लाखों करोड़ों दर्शक हैं, इनसे सैकड़ों लोग रोज मिलने को आते हैं, उन सैकड़ों लोगों में से किसी की शिकायत ना रहे इसलिए आपसे बैठ लिए, क्या कहना चाहिए। हाँ नहीं आपने सही किया, और हम भी यही सोचते हैं कि देखिए पब्लिक सबको बनाती है, और एक छोटा सा जो कील होता है अगर उसको न निकाला जाए तो बहुत बड़ा कैंसर का रूप ले लेता है, तो ये चीज है, इस पे जो बात हुआ है अक्षरा जी जैसे की है ये गलत है, और इस पे इनको जवाब देना चाहिए, क्योंकि उसमें एक कहना ही पब्लिक का पैसा था भाई, एक एक रुपए देखिए जो कलाकार जो भी कोई अरेंज किया होगा तो एक उम्मीद से किया होगा कि हमारे अक्षरा जी आएंगे ऐसे ऐसे करेंगे, ज्यादा पैसे से ज्यादा उम्मीद लोगों का रहता है, उतना पब्लिक आए थे वहां चूतिया सब नहीं थे, सब लोग देखने वाले थे, देखने के लिए आए थे भाई, प्रोग्राम नहीं की चले गए। कलाकार अगर कलाकारी करते हैं मंच पे चढ़ते हैं, मंच से पहले उनको सम्मानित भी किया जाता है, कुछ लोग माल्यार्पण करते हैं, कुछ लोगों का अन्य तरीका होता है सम्मानित, वो तो जो कि गेस्ट का जो होता है हमारे जो पब्लिक की वहाँ का उनके व्यवस्थापक का जो है उनके माइंड के ऊपर होता है कि हम माला पहनाए कि ऐसे स्वागत करें। देखिए इसमें कोई ये नहीं होता कि नहीं हमको माला पहना तब आएंगे, अभी हम लोग भी मीटअप करते हैं तो पब्लिक के सामने भूई बैठ के ही करते हैं भाई, देखिए पब्लिक है, पब्लिक के सामने ये चीज नहीं करते हैं, ज्यादा दिखावा देखिए जहाँ दिखावा करना वहाँ दिखाए, जहाँ नहीं करना है भाई वहाँ क्या करेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, विष्णुराज जी हमसे जुड़े थे, तमाम लोगों के सवाल है कि कलाकारों में इतना एटीट्यूड क्यों आ जाता है,
और अक्षरा सिंह ने जो ये किया ये सही है कि गलत है, इस पे हम विष्णुराज जी की राय ले रहे थे क्योंकि एक चर्चित चेहरा है। आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।